हेलो सभी को, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबको मैं बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो का लाभ उठाएं। तो अभी हम लोग माठाबुरु हिल्स में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स लोग क्लाइंब कर रहे हैं और ऊपर से एक बोतल भी आ गया, तो केयरफुली क्लाइम करना पड़ता है। जो ऊपर में रहते हैं उनको भी केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी दुर्घटना घट सकती है। बीच बीच में जो पत्थर से जो लूज पत्थर है वो भी गिर रहा है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे जब आता है, चाहे पत्थर हो चाहे बोतल हो, वो 10 गुना स्पीड लेके नीचे उतरता है, तो नीचे जो भी रहेंगे उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये सब का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। अच्छे से ही क्लाइम कर रहे थे, कुछ कुछ का बॉडी पोस्चर सही नहीं था, उनको सही से बताया जा रहा है कि ऐसे मत करो और पाँव क्रॉस मत करो। तो उसी दिन रात को हम लोग ऊपर चल गए थे सभी स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर। तो माठाबुरु टॉप में ये सभी स्टूडेंट अपना अपना शेल्टर फूड खुद बना रहे हैं और सभी इंस्ट्रक्टर चेक कर रहे हैं कि सबका शेल्टर सही से बना है कि नहीं, फायर को किस तरह से जलाना है, किस तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी असावधानी होगा तो आग लगने का खतरा हो सकता है। तो कुछ कुछ ग्रुप वाइज जो इतना अच्छा स्टूडेंट थे वो अपना इतना कम समय में तुम लोग बना लिया, बहुत। तो हम लोग इंस्ट्रक्टर थोड़ा थोड़ा जाके प्रशांत और हिरुदा चेक कर रहे हैं कि खिचड़ी कितना बन चुका है। तो ये फाइनली हम लोग का खिचड़ी बन चुका है, बहुत ही टेस्टी था। स्टूडेंट लोग ने भी बनाया था वो भी था, और हम लोग ने भी बनाया था वो तो और भी अच्छा था। तो रात को खाना खाने के बाद नेक्स्ट डे का प्लानिंग लेके भी थोड़ा डिस्कशन चल रहा था कि कल का शेड्यूल बहुत ही टाइट है, तो कौन कौन कहाँ कहाँ रहेगा, और उस हिसाब से सुबह जिसको जो टीम को पहले निकलना होगा वो जल्दी नीचे उतर जाएगा माठाबुरु टॉप से, तो रो फिक्स करना रहता है। फर्स्ट टीम जो नीचे जाके रो फिक्स करेगी वो तैयार हो चुकी थी चाय पीने के बाद, और स्टूडेंट लोग भी लगभग लगभग सभी आ चुके थे। सबको बताया जा रहा था कि सब अपना अपना बैग्स पैक कर ले सही तरीके से और सामने आ जाए, यहाँ पे सब अपना अपना लगेज रख के धीरे धीरे जो गार्बेज नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेला हुआ था ऊपर में, तो वहाँ जितने भी दर्शनार्थी आए थे तो वो अपने साथ जो भी पूजा का सामान जो लेके आए थे वो सारे प्लास्टिक और खाने पीने का प्लास्टिक इधर उधर फेंका हुआ था। तो सारे स्टूडेंट लोगों ने मिल के पूरा माठाबुरु टॉप को क्लीन कर दिया। तो हम लोग यही बताते हैं कि जहाँ कोई भी जाए वहाँ पे गंदगी ना फैलाए। तो सारे स्टूडेंट लोग खूब मिलजुल के सब अपना अपना काम किए हैं और पूरा माठाबुरु टॉप चंद ही मिनटों में पूरा क्लीन हो गया। तो गार्बेज को हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पर रख के उसको सही तरीके से पूरा माठाबुरु टॉप में प्लास्टिक जितना भी था सबको एक जगह पर ला के मंदिर के सामने हम लोग रख दिए थे, और मंदिर के सामने में भी कुछ प्लास्टिक थे वो स्टूडेंट लोग उठा के सामने उसी जगह पर रख दिया गया था। और स्टूडेंट लोग का जो ये पूरा टीम वर्क था बहुत ही अच्छा था, सब एक दूसरा का हेल्प कर रहा था कि किस प्रकार से उस जगह को क्लीन किया जाए। तो आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं कि स्टूडेंट लोग क्लीन कर रहे हैं मंदिर के सामने में, और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि क्या क्या लेना है, और कुछ ऐसा चीज़ नहीं करना है कि यहाँ का लोकल्स को प्रॉब्लम हो।